हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो लास्ट क्लास ली थी उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वागसमता के बारे में। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया था कि दो त्रिभुज आपके कब वो आपके सर्वागसम होंगे। मैंने इसमें आपको चार प्रॉपर्टीज बताई थी कि दो त्रिभुज आपके सर्वागसम कब होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब वो साइड एंगल, साइड यानी कि दो साइड और उनके बीच का आंतरिक कोण इक्वल होगा। ठीक है, मैंने फिर अब उसमें बताई थी एस ए एस प्रॉपर्टी, ए ए एस प्रॉपर्टी और फिर आर एच एस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कि कब कब हमारा जो त्रिभुज होगा वो हमारा सर्वागसम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी वो वीडियो देख सकता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा सिमिलरिटीज़ यानी कि समरूपता। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेते हैं अपना सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को हिंदी में आप बोलते हो समरूपता। ठीक है, समरूपता का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, समान रूप, जिसका रूप समान हो, आकार चाहे कुछ भी हो। हमने जो सर्वागसम था उसमें क्या था कि उसका आकार और रूप यानी कि आकार और आकृति सेम होनी चाहिए। लेकिन जो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है, समरूप जो भी आपकी फिगर होंगी उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें आकृति आपकी सेम होनी चाहिए देखने में। ठीक है, लेकिन उसका आकार कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसकी भी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे तो है नहीं कि हम जो भी त्रिभुज देखने में एक जैसे होंगे, जो भी त्रिभुज होंगे सारे त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसकी भी कुछ निश्चित फिक्स जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कब कब आपका त्रिभुज समरूप हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया आपका डी ई एंड एफ। एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज डी ई एफ। तो देखो ये त्रिभुज कब कब समरूप होंगे, हम इन्हें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर वन, त्रिभुज की समरूपता की प्रॉपर्टीज नंबर वन, पहले जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थी आपकी एंगल यानी कि ट्रिपल ए। कहने का मीन्स है अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के आपके कोण समान हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके समरूप त्रिभुज। ठीक है, और जो कोण होंगे वो कौन से होंगे, आपके बिल्कुल संगत कोण, यानी कि एंगल ए होगा आपका एंगल डी के, एंगल बी होगा आपका एंगल ई के एंड एंगल सी होगा आपका एंगल एफ के। ठीक है, और समरूप का जो आपका सिंबल होता है वो होता है त्रिभुज ए बी सी, समरूप में हम ये वाला बस सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज आपका समरूप होगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी फॉलो होंगी या फिर क्या क्या उसकी कंडीशन बनेंगी। देखो जब भी कोई त्रिभुज आपके सर्वागसम होते हैं तो जो उसकी भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, उनका आकार बिल्कुल एक समान होता है। मतलब कि अगर कोई एक साइड आपकी तीन थी तो दूसरी भी आपकी तीन होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज में क्या होगा, अगर कोई भी त्रिभुज आपका समरूप हुआ तो उसकी जो भुजाएं होंगी आपकी वो परस्पर अनुपातिक होंगी, वो परस्पर अनुपातिक होंगी। कहने का मीन्स है उसकी जो भी आपकी संगत भुजाएं होंगी यानी ये अपोन में ये ए बी अपोन में डी ई बराबर होगा आपका ए सी अपोन में डी एफ के, ए सी अपोन में डी एफ के और बराबर होगा आपका बी सी अपोन में ई एफ के। ठीक है, अगर आपका कोई भी त्रिभुज समरूप हुआ तो जो उसकी भुजाओं के बीच का जो कंडीशन बनेगी वो हमेशा अनुपात में बराबर होंगी। भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए, आपकी संगत भुजाएं, यानी कि उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, रेशो में होंगी वो, उनका अनुपात क्या होगा, आपका समान होगा। ठीक है, समझ आए कि आपका अगर कोई भी त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, परस्पर अनुपातिक होंगी।
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर इसकी हम दो के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी दो क्या होगी। प्रॉपर्टी दो है आपकी साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि साइड साइड का मतलब है कि तीनों उसकी साइड क्या हो, परस्पर अनुपातिक हो। देखो जब हमने सर्वागसम में एसएसएस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पे क्या था, आपकी साइड की जो वैल्यू थी वो सेम थी, लेकिन यहां पर जो साइड जब भी हम यूज करेंगे तो वो साइड होगी आपकी अनुपात में बराबर। तो एसएस प्रॉपर्टी यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों जो भी संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर होंगी तो वो त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे, आपके समरूप त्रिभुज। कहने का मीन्स है कि अगर ए बी अपोन में हो जाए आपका डी ई इक्वल टू ए सी, अपोन में हो गया डी एफ इक्वल टू बी सी, अपोन में हो गया आपका ई एफ, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ गई तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये आपस में क्या होंगे, समरूप। ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, समझ आया। अगर समरूप हो गए तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी त्रिभुज समरूप एस एस प्रॉपर्टीज से होता है तो उसके हम जो एंगल होंगे, जितने एंगल इसके होंगे इतने एंगल इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसमें नंबर तीन और लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है समरूप की, वो होती है आपकी एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। देखो वहां पर मैंने बताया था कि जो साइड होंगी साइड की वैल्यू बराबर होंगी और एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ठीक है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, जो आपका आंतरित कोण होगा इंक्लूडेड एंगल होगा वो आपका बराबर होगा, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो साइड होगी उनका क्या होगा, रेशो बराबर होगा, ठीक है, यानी कि वो क्या होंगी, अनुपात में होंगी। यानी कि अगर आपकी दो साइड रेशो में इक्वल हो, यानी कि ए बी अपोन में डी, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा अनुपातिक हों, बी सी अपोन में ई एफ, बी सी अपोन में ई एफ, और उनके बीच जो बनने वाला इंक्लूडेड एंगल है यानी कि आंतरित कोण है, कंडीशन यहाँ भी वही रहेगी सर्वागसम वाले की, जो एंगल होगा वो आपका आंतरित होगा यानी कि इंक्लूडेड होगा, ठीक है, यानी कि एंगल बी जो इक्वल होगा वो होगा आपका एंगल ई के। अगर ये कंडीशन आपकी कहीं पर भी बनती है तो जो आपका त्रिभुज ए बी सी होगा वो आपका समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो देखो आपको मैंने तीन प्रॉपर्टीज बताई समरूप प्रूफ करने की, आपकी ए ए ए एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीनों भुजाएं अनुपात में होंगी, ठीक है। नंबर दो एस एस एस, अगर तीनों साइड अनुपात में है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। और नंबर तीन होंगे आपका एस ए एस, दो भुजा अनुपात में होंगे और एक एंगल बराबर होगा तो वो भी क्या त्रिभुज होंगे, आपके समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं समरूप त्रिभुज में, पता नहीं कहाँ से अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेते हैं, एस ए एस ए एस ए एस ए एस, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें तीन ही प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, समझ आया आपको समरूप त्रिभुज, आगे से कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो इस समरूप त्रिभुज का हम कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखिए इस समरूप त्रिभुज का कैसे यूज होता है आपके समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। माना एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी है जिसका ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज को इसके एंगल बी से मैंने सामने वाली भुजा पर एक एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री की एक लाइन खींची, मैंने इस शीर्ष बी से सामने वाली लाइन पर एक 90 डिग्री की लाइन यानी कि एल्टीट्यूड इसका शीर्षलंब खींचा, ठीक है। मैंने इसको ले लिया डी। तो देखो अब जो ये बड़े वाला त्रिभुज था ये दो छोटे त्रिभुज में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि एक त्रिभुज बन गया आपका ए बी डी और एक त्रिभुज बन गया आपका बी डी सी, ठीक है। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है
कि अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज को उसके एल्टीट्यूड द्वारा कट करें और दो त्रिभुजों में डिवाइड करें तो वो जो दोनों त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, त्रिभुज बी डी सी के, ठीक है। यानी कि ये जो छोटे वाले दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में क्या होंगे, समरूप हैं, ठीक है। और अगर छोटे वाले त्रिभुज को हम बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ देखें तो वो भी समरूप है, और इस वाले त्रिभुज को भी अगर हम बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के साथ देखें तो वो भी आपका समरूप है। देखिए कैसे ये चीज़ हम प्रूफ करते हैं कि कैसे ये समरूप है, और यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज भी आएंगी कि ये आपका कैसे बना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि जो आपका एंगल सी है, जो एंगल सी है वो है आपका थीटा। मैंने ले लिया कि आपका एंगल सी है वो है आपका थीटा। तो ये देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री त्रिभुज बी डी सी में, आप ध्यान से देखो ये 90 ये थीटा, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, समझ आ रहा है, क्योंकि पूरे त्रिभुज का सम कितना होता है 180, 90 माइनस कर दे तो 90 बचा, और ये थीटा माइनस कर दे तो 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका एंगल डी बी सी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। उसके बाद जब ये 90 माइनस थीटा है टोटल पूरा 90 है तो ये कितना हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है। अब ये थीटा ये 90 तो ये वाला ट्रायंगल कितना बनेगा, ये भी वही हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, समझ आए थे सारे कोण। तो अब देखो आप त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज बी डी सी को, त्रिभुज बी डी सी को आप ध्यान से देखिए, ये भी कोण थीटा, ये 90 माइनस थीटा और एक एंगल 90, एक एंगल 90, एक कोण थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा, तो कौन सी प्रॉपर्टीज लगी, एंगल एंगल एंगल। तो यानी कि एंगल 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 प्रॉपर्टीज से ये जो दोनों त्रिभुज होंगे आपके क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सॉरी ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के, ठीक है। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, ठीक है, तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। यानी कि अब यहाँ पर हम कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी भुजा किसके अनुपात में लिखें, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी भुजा को किसके अनुपात में लिखें। तो देखो ध्यान से समझना, ये कन्फ्यूजन आपका आज से दूर हो जाएगा। देखो आपने इस त्रिभुज को लिखने का तरीका कैसे है, आपने लिखा त्रिभुज ए बी डी, आप एक त्रिभुज को कैसे भी लिख दीजिए, तो जब आप दूसरा त्रिभुज लिखोगे तो ए का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा किस में बन रहा है, बी पर, तो त्रिभुज बी लिखेंगे। फिर बी का एंगल क्या है आपका, बी का एंगल है थीटा, तो यहाँ पर थीटा किस में बन रहा है, सी में, तो यहाँ पर हम बी डी सी ना करके बी सी करेंगे, ठीक है। फिर डी पर कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पर डी पर कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो बी सी डी, ठीक है। आप त्रिभुज को इस तरीके से नामकरण करें उनका कि ए पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो बी पर 90 माइनस थीटा, फिर दूसरे नंबर पे बी पे थीटा तो यहाँ पर सी पे थीटा, और तीसरे नंबर पे डी पे आपका क्या हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी डी पे आपका 90 डिग्री। अब यहाँ से आप दोनों की भुजाएं अनुपात में लिख सकते हो, देखो ए बी लिखो, ए बी का अनुपात किसके साथ होगा बी सी की, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाले दो बी डी का रेशो किसके साथ होगा आपका सी डी के साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला और लास्ट का ए डी का जो रेशो है वो किसके साथ हो जाएगा आपका बी डी के साथ, ठीक है। अगर इन दोनों में से मैं बी डी का स्क्वायर निकालूं तो जो बी डी के स्क्वायर की मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी सी डी इंटू में ए डी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि जो आपका बी डी का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी सी डी इंटू में ए डी, ठीक है, समझ आया। ये इस तरीके की मैं इसी वाले कॉन्सेप्ट से आपको तीन प्रॉपर्टीज प्रूव कराऊंगा, और फिर उस पर बेस्ड जो भी आज तक एसएससी में क्वेश्चन आए वो सब हम अपने क्वेश्चन की सीरीज में करेंगे। इन प्रॉपर्टीज पर बेस अगर ये आपने प्रॉपर्टीज सब पढ़ रखी हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर जाओगे, अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाते रह जाओगे और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखो ध्यान से देखना, पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या प्रूव की कि बी डी का स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा सी डी इंटू में ए डी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, ये लिखने में आपको कोई डाउट है। अगर देखो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते तो आप ध्यान से लिखो, सबसे पहले लिखोगे आप ए, ए के सामने कौन सी साइड है
कोई सा भी एक एंगल ले लो, 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है, BD, तो इधर 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है, CD, ठीक है। ऐसे ही इधर 90 के सामने कौन सी है, AB, ठीक है, तो इधर 90 के सामने कौन सी है, BC, ठीक है। और ऐसे ही इधर देख लो आप, थीटा के सामने कौन सी है, AD, और तो इधर थीटा के सामने कौन सी है आपकी, BD। तो देखो सेम वही चीज़ आ गई जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे इनको अनुपात में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी आपकी कोरोस्पोंडिंग साइड होंगी उन्हीं का अनुपात बराबर होता है, तो इसलिए आप ध्यान से इस चीज़ को लिखना। समझ आया आपको कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो मैंने आपको ये आप अपना कंक्लूजन यहाँ पर अपने पास रखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका छोटे वाला त्रिभुज होगा ये बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी सिमिलर होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए, ये मैंने बड़े वाला त्रिभुज बना दिया एक बार और, ए बी सी, बड़े वाला त्रिभुज बना दिया ए बी सी, एंगल ए कितना है 90 माइनस थीटा, एंगल सी कितना है थीटा, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। अब देखो ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी को देखो, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए बी डी को देखो, ए बी डी को देखो, देखो एक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा है एक कोण थीटा है, एक 90 है एक 90 है, तो क्या हो गया ए ए प्रॉपर्टीज हो गई, तीन एंगल क्या हो गए बराबर हो गए। जब तीन एंगल बराबर होते हैं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। तो भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो अनुपातिक लिखने का मैंने तरीका बताया था कि पहले कोई सा भी एक त्रिभुज लिख लो आप, त्रिभुज लिखा आपने ए बी सी, तो जस्ट इसके समरूप त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए कौन सा है आपका 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ए क्या है 90 माइनस थीटा, तो त्रिभुज क्या बनेगा ए। उसका बी क्या है आपका, बी है आपका 90, तो यहाँ पर 90 क्या है आपका डी, ए डी। उसका सी क्या है आपका थीटा, तो यहाँ पर बी थीटा है, ए डी बी। समझ आया लिखने का तरीका। तो फिर यहाँ से आप भुजा लिख सकते हो ए बी अपोन में ए डी बराबर बी सी अपोन में डी बी, बी सी अपोन में डी बी बराबर ए सी अपोन में, ए सी अपोन में ए बी, ए सी अपोन में ए बी, ठीक है। समझ आए यहाँ तक आपको, क्या है कि अगर ये आपकी भुजाएं क्या होंगी, ए बी आपकी ए डी के बराबर। अगर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो तो मैंने वही बताया था 90 माइनस थीटा के सामने की लाइन बी सी, तो बी सी फिर 90 माइनस थीटा के सामने की लाइन बी डी, तो बी सी अपोन में बी डी या फिर डी बी, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो देखो इससे आपका क्या कंक्लूजन बन के आता है। आप इन दोनों लाइनों का देखिए, आप इसमें ए बी और ए बी को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ए बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए बी के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ए सी इंटू में ए डी, ए सी इंटू में ए डी। यहाँ से अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगी आपकी ए बी का स्क्वायर अपोन में ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डी। ये कंक्लूजन हो गया आपका कंक्लूजन नंबर दो, ठीक है। समझ में आया आपका कंक्लूजन नंबर दो कि जो आपकी ए डी की वैल्यू होगी, यानी कि ए डी की वैल्यू होगी वो होगी ए बी का स्क्वायर अपोन में ए सी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे आपस में, ये भी सिमिलर होंगे, ठीक है। देखो क्यों होंगे सिमिलर, देखो इससे मैं बाद में, अभी आप समझना बस ये कैसे हो रहा है, अभी कन्फ्यूज मत होना। जब लास्ट में मैं तीनों ये प्रूफ कराऊंगा तो इनकी मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं अभी आपको क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप बोर्ड पे देखते रहिए। अब त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 एक कोण, 90 एक कोण थीटा, थीटा, तो ए ए से क्या हो गए ये आपके सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो मैंने त्रिभुज लिखने सिखाया आपको, त्रिभुज क्या है मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर मैं त्रिभुज क्या लिखूंगा, ए क्या है आपका 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर है 90 माइनस थीटा बी, त्रिभुज बी। फिर आप मैंने लिखा बी, बी क्या है 90, तो यहाँ पर डी 90, और यहाँ पे थीटा सी है, तो यहाँ पे थीटा सी है, तो बी डी सी हो गया, ठीक है। अनुपात में लिखेंगे तो ए बी अपोन में बी डी हो जाएगा, ठीक है, बी सी अपोन में डी सी हो जाएगा, और आपका ए सी अपोन में बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपको अनुपात में क्या होंगे आपके, इस तरीके से लिखी जाएंगी। अगर यहाँ से मैं आपका कंक्लूजन निकालूँ इन दोनों के बीच, तो यहाँ से क्या होगा आपका डी सी की जो वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी आपकी बी सी का स्क्वायर अपोन में हो जाएगी ए सी, ठीक है। जो डी सी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी बी सी का स्क्वायर अपोन में ए सी। इसे ये हो गया आपका थर्ड कंक्लूजन, ठीक है। तो समझ आया ये कहाँ से आया आपका। अब देखो मैं इन तीनों को आपको वन बाई वन करके लिखवाता हूँ। तो देखो आपके इन तीनों से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपके कंक्लूजन क्या क्या है। देखो फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन था वो तो मैंने आपको मीडियन या फिर एल्टीट्यूड वाले में ही बता दिया था कि क्या है आपका। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो आपकी बी डी की वैल्यू होती है, जो आपकी बी डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी इंटू में बी सी, ए बी इंटू में बी सी, ठीक है, अपोन में हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपका कंक्लूजन निकला था, क्या निकला, बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू में ए डी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू में ए डी, ठीक है, सी डी इंटू में ए डी, ठीक है। थर्ड जो आपका कंक्लूजन निकला वो क्या था आपका, ए बी का स्क्वायर बराबर अपोन में ए सी इक्वल टू ए डी। ए डी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी का स्क्वायर अपोन में ए सी। और जो आपका फोर्थ कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, डी सी की वैल्यू हो गई बी सी का स्क्वायर अपोन में ए सी। डी सी की वैल्यू हो गई बी सी का स्क्वायर अपोन में ए सी। देखिए ये सब चीज़ आपको रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसे याद होंगी वो मैं आपको समझाता हूँ और क्वेश्चन में इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखो आप ध्यान से देखना, जो भी इस बी डी की वैल्यू होगी हमेशा लंब इंटू आधार अपोन में कर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड था आपका, जो आपका बी डी स्क्वायर होता है वो होता है ए डी इंटू में डी सी होता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, जिन पर बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपकी थर्ड और फोर्थ। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि मैंने जस्ट एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल्स में मैंने इसका व्यास बनाया और व्यास से मैंने इसकी परिधि को टच करते हुए एक त्रिभुज बनाया। देखो आप सभी को पता होगा कि जो व्यास होता है वो परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये कोण क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और मैंने इसको ले लिया ए, ये ओ, ये बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज के यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरा इसकी हाइट, इसको मैंने मान लिया डी। और मैंने आपसे पूछ ली डी बी की वैल्यू बताएं, अगर ये लाइन आपकी 6 है और ये आपकी 8 है, मैंने पूछ लिया आपको कि आप डी बी की वैल्यू बताएं। तो देखो आप कैसे निकालोगे, जस्ट अगर आप इसे बेसिक से करने लग जाओ तो आपको कितना टाइम लगेगा, आप निकालोगे ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगाएंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 100, रूट 100 यानी कि वैल्यू 10। ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी पूरे की 10, ठीक है। यहाँ तक निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, इसकी ये हाइट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इस हाइट से फिर आप क्या लगाओगे, ये वाली यानी इस हाइट से कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ से आप डी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसी तरीके से करोगे। लेकिन अगर आपको इसकी अप्रोच पता है कि देखो ये क्या है, ये आपकी यही तो लाइन बन गई, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या होता है आपका, जो ये डी सी होगी, डी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, बी सी का स्क्वायर अपोन में ए सी। ऐसे ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए बी का स्क्वायर अपोन में ए सी। तो डी बी की क्या होगी, डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर अपोन में ए बी। समझ आया, 8 का स्क्वायर अपोन में ए बी यानी कि 10, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 अपोन में 10 यानी कि वैल्यू आ गया आपकी 6.4, ठीक है। तो कितना सिंपल था, अगर ये आपसे आता है तो ये आपके लिए सिंपल है, अगर नहीं आता तो आप इसमें ऐसे उलझ जाओगे और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। समझ आया आज का टॉपिक। तो मैंने आपको बताया आपको कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई भी दो त्रिभुज आपके समरूप होंगे, ठीक है। तीन मैंने प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद मैंने समकोण त्रिभुज में अगर हम त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दें तो दोनों भाग क्या होंगे, छोटे छोटे जो त्रिभुज होंगे वो भी आपस में समरूप होंगे, जो छोटे वाले त्रिभुज होंगे बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी आपके समरूप होंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये चार फॉर्मूले आपको प्रूव कराए, ये फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आया मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी बताया कि क्वेश्चन में इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इन फॉर्मूलों को वहाँ पर यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।